हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आई होप आप सभी लोग ठीक हैं स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर सो माई ब्यूटिफुल पीपल आज की जो ये रीडिंग है इसका टॉपिक वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा बट ये मेरी ड्यूटी बनती है आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि न्यूमरोलॉजी प्लस आपका डेस्टिनी न्यूमरों के हिसाब से आपकी डेस्टिनी क्या बनती है न्यूमरों के हिसाब से आपका भाग्य आप कब उदय होगा किस तरीके से उदय होगा और न्यूम्रो के ही हिसाब से आप कौन से रेमेडीज़ कर सकते हो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं मूलांक आपके मूलांक मैंने मूलांक कैलकुलेट करना बहुत बार सिखाया है आ, हर वीडियो के अंदर जब भी मूलांक की बात होती है मैं आप लोगों को सिखाती ज़रूर हूँ कि मूलांक किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से काम करता है फिर भी अगर आप लोगों को याद नहीं है थोड़ा बहुत तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँगी लेकिन यस मूलांक जो होता है हर अपने हर मतलब पर्सन का अपने स्पेसिफिकली Uh, it... डिफरेंट यू नो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स और आपके uh, नफ़े नुकसान ईच एंड एवरी थिंग जो है आपका मूलांक आपको बताता है तो आज के डिटिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आपके मूलांक के हिसाब से यानी कि न्यूमरोलॉजी के, के हिसाब से आपकी डेस्टनी कैसी है और आपकी डेस्टिनी के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए चीज़ जिससे कि सब कुछ सेटल हो सके सब कुछ हो सके आपकी लाइफ में सो so, यहाँ पे दो आप लोगों को काज दिख रहे हैं दिस इज़ पायल नंबर वन दिस इज़ पायल नंबर टू पायल नंबर वन में हमारे पास वन थ्री फाइव सेवन नाइन और पाइल नंबर टू में है हमारे पास टू फोर सिक्स एट तो ये आपके मूलांक है ठीक है अब बात आती है मूलांक को कैसे कैलकुलेट करना है तो फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है सेवन ठीक है तो आपका मूलांक क्या हुआ सेवन ठीक है अब असली सीन क्या आता है अगर आपका नौ तारीख तक मतलब है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अगर इनमें से कोई आपका है डेट ऑफ बर्थ तो चलो चल जाएगा लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ टेन इलेवन ट्वेल्व यानी कि दो डिजिट वाले हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं मुलांक निकालने के लिए ऐड कर देते हैं ठीक है ठीके? प्लस कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेन है बर्थ डेट फॉर एग्जाम्पल तो क्या होगा आपका मुलांक एक अगर आपका आपका डेट ऑफ बर्थ है ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन क्या होगा सेवन प्लस टू नाइन ठीक है तो नौ नंबर आपका मूलांक होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है थर्टी वन तो थर्टी वन तो थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू फोर तो फोर आपका मूलांक होगा तो ऐसे ही अगर एक से नौ तक है आपकी डेट ऑफ बर्थ तो तो आपके चलो मूलांक वही हो गए सिंगल डिजिट लेकिन अगर आपका बर्थडे डेट जो है वो दो डिजिट से मिलके बन रहा है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सिक्सटीन नाइनटीन थर्टी तो आपने क्या करना है उन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देना है और सिंपली जो एक नंबर आएगा वो आपका मूलांक होगा सो गाइज़ so आज की रीडिंग का टॉपिक यही है चलिए देखते हैं डेस्टिनी चेक आपका एंड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं Hi टू ऑल my beautiful पायल नंबर वन पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर तो आज की इस रीडिंग का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी एंड योर डेस्टिनी न्यूमरो के हिसाब से आपके मूलांक के हिसाब से आपकी डेस्टिनी क्या है और आपकी डेस्टनी के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वही देखेंगे हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग तो आप लोगों ने पायल नंबर वन को पिक किया है इसका मतलब आपकी जो मतलब आपकी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक आपका बन रहा है वो बन रहा है वन थ्री फाइव सेवन नाइन मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आप लोगों को वीडियो के इंट्रो में बताया है तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे मूलांक को कैलकुलेट करना है तो गो एंड चेक दैट इंट्रो ठीक है तो एक तीन पाँच सात नौ आप लोगों का मूलांक है और इसे मैं रख देती हूँ यहाँ सो दैट आप लोगों को पता लगे कि ये आपकी रीडिंग चल रही है तो चलिए देखते हैं चलते हैं आपकी डेस्टिनी आ, की जर्नी के ऊपर और पता लगाते हैं कि क्या है आपकी डेस्टिनी में एक तीन पाँच सात नौ हाईली स्पिरिचुअल हाईली लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं आपके अंदर ये दूसरे देख के कहा जा गए हम हाईली स्परिचुअल हाईली डोमिनेटिव वेरी मच इमोशनल लकी समाइम समटाइम्स हद ज़्यादा अनलकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलर एंड स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट फाइल नंबर वन पीपल एक तीन पाँच सात नौ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने निकाला है मूलांक होप आपने मुलांक अच्छे से निकालना सीखा है इंट्रो के थ्रू अगर नहीं तो थोड़ा सा बता देती हूँ अगर एक से नौ तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो तो कोई चक्कर नहीं है सिंगल डिजिट आपका मूलांक वही है बट दिक्कत आती है जहाँ पर या दिक्कत नहीं ट्विस्ट वहाँ पर आता है जहाँ आपकी दो डिजिट है दो डिजिट फॉर एग्ज़ाम्पल तेईस आपका बर्थडे डेट है तो तेईस को हम ऐड ऑन कर देंगे टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा आपका पाँच तो आपकी पाँच हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ ठीक है फॉर एग्जाम्पल सोलह तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वन प्लस सिक्स सेवन सेवन आपकी सेवन uh, आपका मूलांक है तो बस एड ऑन करते जाना है एंड यू विल गुड टू गो चलिए एस ऑफ वॉन्स क्वीन ऑफ कप्स में रिवर्सल्स नहीं लेती रीडिंग्स के दौरान वीडियो रीडिंग्स के दौरान पेज ऑफ पैंटिकल्स एट ऑफ सो ठीक है बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स फर्स्ट ब्रेड सेवन ऑफ कप्स याद रखिएगा फर्स्ट ब्रेड सेवन ऑफ कप्स फिर अपने पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेकिन क्योंकि रिवर्स में निकला था तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी ये और ये रिवर्स में निकला था ऑल मैं रिवर्सल्स लेती नहीं हूँ बट स्टिल थोड़ा सा याद रखूँगी अगर कहीं पर आ, कुछ बताना हो डिवाइन को तो एटलीस्ट बता सकें बॉटम ऑफ द टेक फाइव ऑफ बॉइन्स का, का कार्ड है कुछ कार्ड्स और निकालेंगे लाइफ विल बी अ काइंड ऑफ रोलर कोस्टर टू यू गाइज पायल नंबर वन पीपल रोलर कोस्टर से कम नहीं होगी लाइफ जब आपको लगेगा आप सब शांत हैं वैसे ही कुछ न कुछ कुछ ना कुछ कुछ न कुछ, 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 कुछ शुरू होगा लेकिन वो आपको सीख बहुत देगा बहुत सीख देगा आप पायल नंबर वन पीपल आप एक बहुत ही सही सटिक इंसान हैं जिसके अपने खुद के थॉट्स हैं जो अपनी खुद की लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता है जिसके मन में लोगों के लिए घृणा नहीं द्वेष नहीं भलाई है बट लोगों के थ्रू कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्ग्रेड किया जाता है समटाइम्स ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे सो काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर जैसे गर्मी में ठंडा ठंडा पानी होता है ना बिल्कुल बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी होती है पाइल नंबर वन आप लोगों की जिनका भी एक तीन पाँच सात नौ होता है यू गाइस आर स्ट्रांगली स्ट्रगलर बट आ, अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ हासिल करते हो आप लोग ठीक है और वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाईली इंट्यूटिव हाईली डोमिनेटिव ज़िद्दी समटाइम समटाइम इरीटेट कर देने वाले बट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बहुत ही ज़्यादा रिच एनर्जीज़ के एंड हमेशा कुछ ना कुछ गुडनेस करके चीज़ों को क्रिएट करना बैलेंसिंग फिगर इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं हमेशा अपनी अपनी चलाना पसंद करते हैं लेकिन आ, इनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है एक तीन पाँच सात नौ वालों की लाइफ में बट स्टिल वो उस स्ट्रगल से कुछ ना कुछ सीखते हैं इसलिए हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली स्परिचुअल होते हैं रिलीजियस कम स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं ठीक है डेस्टनी में क्या है आपकी देखो एक चीज़ मैं बहुत साफ़ सुथरी तरीके से देख रही हूँ आप लोगों के लाइफ में कि कोई भी चीज़ आपको तुरंत से फास्ट नहीं मिलेगी नहीं कोई भी चीज़ ऐसे तुरंत से नहीं मिलेगी आपको आपको उस चीज़ के लिए इंतजार करना पड़ेगा एंड इंतज़ार के लिए आपके लिए कार्ड आया है फोर ऑफ सोर्ट्स मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि तुरंत से आपने चाहा और हो गया नो ऐसे नहीं होगा इट विल टेक टाइम ठीक है समय तो लगेगा ही लगेगा और समझ जाइएगा अगर कोई चीज़ आपके तुरंत मांगने पर ही हो गई है ना तो वो चीज़ सही नहीं है वो एक बहुत बड़ा भुगतान ले सकती है चीज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने मांगा कि पापा जी मेरे को तो बाइक चाहिए ठीक है पापा जी ने कहा हाँ ठीक है देखते हैं ओके चल देखते हैं करते हैं टाल दिया आपको तो समझ आना सही चल रहा है मामला लेकिन जैसे अगर ऐसा हुआ कि पापा जी बाइक चाहिए अच्छा कौन सी चाहिए चल चलते हैं लेने के लिए समझ जाइएगा नेगेटिविटी एट द पीक है कोई भी चीज़ ईजी गोइंग में नहीं मिलेगी आप लोगों को लाइफ के अंदर बहुत सारे झटके हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे कॉमन देख रही हूँ आप लोगों के लिए वो है कि आपकी लाइफ कभी भी स्टक नहीं होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रुकी रुकी सी हो गई है लाइक ब्लिंक कर रही है ऐसे 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 झपके से मार रही है बट आगे नहीं बढ़ पा रही है बट उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ पाओगे सो मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आ, आप हमेशा मतलब स्ट्रगल ही करते रहेंगे या क्या लेकिन हाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील हो रही है वो है कि स्ट्रगल है स्ट्रगल है स्ट्रगल बहुत है में से कुछ लोगों की डस्टनी में ऐसा भी है कि लाइक एजुकेशन के लिए करियर के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आप से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं कि आपको अपने करियर को सेटल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आप हमेशा लीक से हटकर काम करेंगे या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपके घर वाले आपको बनाना चाहते हैं डॉक्टर और आप जी बन गए पुलिस वाले ठीक <laughs> है मतलब दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शंस हैं आपके घर वाले आपको बनाना चाहते हैं पुलिस या फौजी ठीक है और आप जाकर के बन गए मॉडल या एक्टर ठीक है तो आ, मतलब जो मुझे और खुशी भी दे रही है मुझे ये बात क्यों क्योंकि ये एकदम लीक से हटकर बात होगी बट ये जो बात होगी ना ये आपके फ़ोर फादर्स तक जानी जाएगी फोर फादर्स गलत बोल रही। पीड़ी पीड़ी रहे हो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी बोलना ज़्यादा सही रहेगा तब तक जानी जाएगी कि हमारे ऐसे ऐसे एक दादाजी या हमारी ऐसे ऐसे एक हुआ करती थी और हमारी बुज़ुर्ग हुआ करती थी और ये करवाना चाहते थे उन्हें अरे वो तो ऐसे निकली यार उन्होंने तो वो करके दिखा दिया मतलब आपकी डेस्टिनी में है दैट तो आप यू नो you know, एक इंस्पिरेशन साबित करोगे आगे आने वाली पीढ़ी पे एक ऐसा इंस्पिरेशन जो बहुत कम लोग साबित कर पाते हैं लाइक ऐसे कहते हैं ना कि मेरा सिद्धांत मैंने रोप दिया ठीक है ज़मीन में मिट्टी में रोप दिया अब लोग इस चीज को समझ पाए और आगे बढ़ पाए ठीक है वो चीज़ है यहाँ पे पैसे धन दौलत की अगर मैं बात करूँ तो आपकी डस्टनी में पैसा है बहुत है लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अगर हाल फिलहाल आपकी डस्ट आपके पास पैसा नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि अरे कहाँ है पैसा कहाँ है थिंक विद डिफरेंट एनर्जीज का इस पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हो कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपकी डेस्टिनी में पैसा बहुत है सच्चा प्यार है ठीक है और किसी एक ऐसे इंसान का साथ है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बना है लेकिन उस पर्सन के पास जाने से पहले पहले आपकी लाइफ में बहुत सरदर्दी आएंगी बहुत सरदर्दी आपकी जीवन के अंदर आप बहुत सारे खुशी के क्षणों के लिए या शांति के क्षणों के लिए तरसेंगे रियली वेरी सॉरी जो काज में है वही बता रही हूँ ठीक है तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए आप तरसेंगे बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि जैसे ही आपको लगेगा आप सब खत्म है, वैसे ही कुछ ना कुछ नया उदय होगा और वो कुछ नया आपकी लाइफ में बहुत कुछ देकर जाएगा ठीक है आप कभी भी अकेला अपने आप को महसूस नहीं करेंगे आप हमेशा आगे बढ़ेंगे लाइक उन्नति की तरफ जाएंगे आप आप में से बहुत सारे लोग मुझे बिजनेस करते हुए या जॉब प्लस बिजनेस करते हुए नज़र आते हैं बिजनेस मस्ट है पायल नंबर वन पीपल बिजनेस मस्ट है बिज़नेस आप करेंगे ही करेंगे आपको अपनी फैमिली की तरफ से या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा या फिर बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलेगा या तो आप फैमिली की तरफ से बहुत खुशी वाली एनर्जी में होंगे या फिर आप फैमिली की तरफ से बिल्कुल दुखी वाली एनर्जी में होंगे सात्विकता और स्टेबिलिटी आप एकदम चोली दामन का सात टाइप्स रखेंगे अपने साथ जैसे कि आ, आप सुबह जल्दी उठना और थोड़ा सा अपने करियर के लिए स्ट्रॉगनेस के साथ एक्शन लेना आ, लोगों को समझाना ठीक है लोगों को हील करना ये सारी चीज़ें आप करेंगे आप अपनी लाइफ में पाइल नंबर वन पीपल आप अपनी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट्स देखेंगे अगर मैं इसकी बात करूं तो टावर मोमेंट्स देखेंगे लेकिन अगर ये कार्ड ऐसे आता ना तो मैं आपको कहती कि ये टावर मोमेंट बहुत गंदा होने वाला है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा लेकिन ये टावर मोमेंट सिर्फ कुछ समय का आएगा और फिर चीज़ें सही होने लगेंगी ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में इसलिए आएगा ताकि आप स्परिचुअली अवेकन हो सकें और आगे बढ़ सकें आप लोगों का सोल पर्पस छोटा मोटा नहीं है पायल नंबर वन पीपल आप लोगों का जो सोल पर्पस है वो बड़ा है ओके तो करियर की अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल हटकर करेंगे जो लोगों ने सोचा या लोग करवाना चाहेंगे आपका आपके पेरेंट्स उससे बिल्कुल डिफरेंट लव के अंदर आप बहुत सारी नेगेटिविटी एंड बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन के बाद किसी ऐसे इंसान तक पहुंचेंगे जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा ओवरऑल अगर एनर्जीज़ देखें तो स्ट्रगल बहुत रहेगा लाइफ में फिर भी मुस्कुराएंगे और हमेशा न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ेंगे सो so, लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन्स नेगेटिविटी बहुत होगी स्टिल आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे बढ़ोतरी करेंगे और कुछ बड़ा ऐसा क्रिएट करेंगे जिसे लोग आपको जानेंगे तो अगर पायल नंबर वन पीपल आपने देखा हो तो जितने भी महान लोग हैं जितने भी महान लोग हैं सब लोगों के लाइफ में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो है स्ट्रगल <laughs> लेकिन उस स्ट्रगल का उदय होता है और ईश्वर शक्तियाँ ईश्वर डिवाइन एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ अच्छा देती हैं द ऑरिकल्स गिफ्ट का कार्ड है यहाँ पे तो आप इसे बहुत सारे लोगों को आ, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इंट्यूशंस बहुत है तो आप लोग हो सकता है हीलिंग वगैरह में जाएं आपने अकल्ट के बारे में बिल्कुल सोचा ही ना हो या फिर आप लाइफ कोच बन गए और आप लोगों को हील कर रहे हैं आप पर हीलिंग प्रैनिक वगैरह कुछ सीख रहे हैं अगर आप कुछ ऐसा हीलिंग का सीखते भी हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा और गिफ्ट्स का कार्ड है तो मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि डिवाइन की तरफ से आपको एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया जा चुका है ये तोहफ़ा इंट्यूशन हो सकता है ये तोहफा आपकी दृढ़ निश्चता ही हो निश्चता हो सकती है कुछ तो ऐसा है जो आप में डिफरेंट है लोगों के बनस्पत और ये चीज़ आपको लोगों से डिफरेंट करती है ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो पर्पस है सोल पर्पस है वो बहुत डिफरेंट है एंड जिन लोगों का सोल पर्पस बहुत डिफरेंट हो, होता है वो कुछ बड़ा करने के लिए धरती पर आते हैं और बार बार जन्म लेते रहते हैं इस जन्म मरण में फंसे रहते हैं कब तक जब तक आ, उनका काम नहीं हो जाता तो आप लोगों का भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि आप एक बहुत बड़ी सोल पर्पजस के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना अनिवार्य है अगर आपने उस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया तो लाइक लेटर ऑन पीरियड तक जब तक भगवान कल के नहीं आ जाते आप आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे ठीक है लाइक एंड ऑफ द अर्थ और एंड ऑफ दिस डायमेंशन तक आप आते ही रहेंगे एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सज़ा है क्योंकि बार बार पैदा होना फिर रुकना फिर आना बड़ा अजीब है शेक रिलीज हील मूव ऑन आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि प्लीज़ अपने आप को आगे बढ़ाइए अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे और सेम सिचुएशन में फंसे रहेंगे तो जीवन आपको आगे की ओर उन्नति कैसे देगा लाइफ में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स हैं लेकिन फिर भी आप उन सब चीज़ों पे जीत हासिल करके आगे बढ़ेंगे ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं यिन एंड बैलेंस तो आपको अपनी इनर सोल को बैलेंस करना चाहिए एंड आपकी लाइफ में बहुत ट्रैवल भी हो सकता है एंड ढेर सारा अबेंडेंस और बहुत सारा प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर चाहे जितनी भी मर्जी दिक्कतें हो जितनी भी मर्जी प्रॉब्लम हो जीत आपकी ज़रूर होगी नाउ लेट्स एडवाइसेस आप लोगों के लिए क्या है आज की रीडिंग से तो आज की रीडिंग से आप लोगों के लिए एडवाइसेस डोंट स्टॉप ना रुकें हम बहुत बार बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बस रुक जाते हैं हमें नहीं पता आगे हम कैसे चलें पर आपको बोला जा रहा है डोंट स्टॉप नो रुकना नहीं है ठीक है अच्छा एक हम गणेश जी की तरफ से भी एक कार्ड आप लोगों के लिए निकालते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए आपको पता ही है जिन लोगों को नहीं पता है चलो मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ अगर याद नहीं है तो गणेश जी जो होते हैं हम सब लोगों के भाग्य विधाता होते हैं और कहा जाता है कि गणेश जी की कलम से निकली हुई डेस्टिनी हम सब लोगों की होती है आप सब लोग बोलेंगे तो क्या गणेश जी इतने फ्री बैठे हैं कि सबकी डेस्टिनी लिखते रहते हैं ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है वो फॉर्म है ठीक है फॉर्म लाइक फॉर्मलेस एनर्जीज हैं तो वो अपना कोई भी रूप धारण करके कितने भी रूप धारण करके काम कर सकती हैं इसीलिए तो उन्हें नियुक्त किया गया है लोगों की डेस्टिनी को बनाने के लिए तो देख लेते हैं उनकी तरफ से आपको एक एडवाइस कार्ड आपके लिए दो कार्ड आए मैं एक ही निकालना चाह रही थी बट स्टिल तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर प्रिजर्वरेंस एंड सेकेंड कार्ड है हारमनी आपको एक चीज़ बहुत शांत तरीके से समझाई जा रही है कि अगर आपको आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस तरीके से चाहिए तो आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है अगर आपको नहीं पता है चक्रास के ऊपर कैसे काम करते हैं आप मुझे बताओ एटलीस्ट बताओ कि तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी तो आप मुझे बताइए जो दूसरा वाला चैनल है ना उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए सारे तरीके डालने वाली हूँ ठीक है so, सो अपने स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर ख्याल करें एंड आपके अंदर लाइक आपकी बॉडी के अंदर आपके थाट प्रोसेस में क्या जमा हुआ है उसको देखिए अगर वो सही है तो अच्छी बात है लेकिन अगर गलत है तो उसको बाहर निकालिए ओके सो okay? so, ये थी आपके गणेश जी की तरफ से एडवाइजेज़ सो पाइल नंबर वन पीपल एक तीन पाँच सात नौ अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ था तो ये थी आपकी रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपसे रिजनेट हुई होगी अगर हुई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डीएम कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं तो अपना अपना ख्याल रखिएगा खुद से प्यार कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार बहुत सारा वाला प्यार हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल तो आप लोगों का जो मूलांक हो सकता है वो हो सकता है दो चार छः आठ तो दो चार छः आठ गाइन्स आप लोगों का मूलांक है आई होप आपने ठीक तरीके से मूलांक कैलकुलेट करना सीखा है अगर आपने गलत मूलांक कैलकुलेट किया है और गलत आप फाइल देख रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो प्लीज़ थोड़ा सा आई होप आप लोगों ने ठीक से ही पिक किया होगा क्योंकि आप लोग इंट्रो तो देखते नहीं हैं तो चलिए मैं फिर से बता देती हूँ तो जी सीन ऐसा है कि आ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना उसको आपको ऐड ऑन करना होता है अगर एक से नौ आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो, तो कोई चक्कर है ही नहीं आप नॉर्मली आराम से आपके जो मूलांक है वही हो गए लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेवनटीन तो वन प्लस सेवन एट तो फिर एट आपका मूलांक होगा ठीक है ऐड करना है दो डिजिट वाले डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों ने ऐड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है ट्वेंटी एट अक्टूबर तो ट्वेंटी एट अक्टूबर यानी कि मुझे सिर्फ लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ यानी ट्वेंटी एट तो आठ प्लस दो क्या हुआ दस अब दस को भी फिर से मैंने प्लस किया वन प्लस ज़ीरो इजिक्वल्स टू वन तो जब तक एड ऑन करना है जब तक एक डिजिट ना आ जाए ठीक है कोई भी एक डिजिट चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि न्यूब्रो के हिसाब से आप लोगों तो की वाओ डेस्टिनी में क्या है हम्म नाइस नाइस nice जी नाइस एम्प्रेस एम्पर सिक्स ऑफ वॉन्स किंग ऑफ वांस टेम्परेंस टू ऑफ वस दर्मिट एंड दी नाइट ऑफ वॉन्स बॉटम ऑफ द डेक है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स हम्म और अब शुरू करें थोड़े से काज और निकाल लेती हूँ फिर हम लोग जो बीच में कार्ड्स हमें चाहिए होंगे वो हम बाद में चेक कर लेंगे ठीक है तो पायल नंबर टू पीपल इमोशनल लेकिन दृढ़ निश्चयवान, हमेशा उन्नति की ओर बढ़ने वाले महान बोल नहीं बोलते हैं लेकिन हाँ समटाइम्स बड़ बोले हो जाते हैं फोर ऑफ़ पेंटिकल्स वाओ सिक्स ऑफ पैंटिकल्स एंड टू ऑफ पैंटिकल्स सारे पैंटिकल्स के कारण हैं आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन हो ठीक है और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कि फायर एरीज लियो सेजिटेरियस साइन हो ठीक है मुझे यहाँ पे ये दो ही साइन नज़र आते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि अर्थ साइन और एरीज लियो सेजिटेरियस यानी कि आपका क्या फायर साइन ठीक है मुझे यही साइन यहाँ पर ज़्यादा मौजूद नज़र आते हैं ओके okay, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल बहुत सारा वाला प्यार सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार एंड ढेर सारी वाली उन्नति गाइस अब चलते हैं आपकी डेस्टिनी की ओर तो निमरों के हिसाब से आपकी डेस्टिनी क्या कहती है स्टेप बाय स्टेप जानते चले जाते हैं पहले अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ तो आप लोगों का कभी भी एक करियर नहीं रहेगा आई एम सींग लॉट्स ऑफ डिफरेंट 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 ब्रांचेस मे भी हो सकता है कि आपने कभी सोचा ही ना हो कि आप जॉब करें और अचानक से आपको जॉब करनी पड़ जाए या ऐसा हो सकता है कि आप यू नो आप जॉब भी कर रहे हो आप बिज़नेस भी कर रहे हो आप घर भी संभाल रहे हो लाइक like, एक मल्टी टास्कर एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए एक मल्टी टास्किंग समझ रहे हो आप ये भी कर रहे हो 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 एंड स्टिल यू आर मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स स्टिल यू आर यू नो फीलिंग की एक अकेलापन है एक अंदरूनी सुकून नहीं है ठीक है आप अच्छा कमा रहे हो आप सब बढ़िया बढ़िया कर रहे हो लेकिन एक अंदरूनी अंतर मन की ना शांति नहीं है तो ऐसा क्यों होगा बताती हूँ उससे पहले करियर को अच्छे से हम कर लें ख़त्म तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपने सोचा है कि आप सिर्फ हाउसवाइफ़ रहेंगी नो आप जॉब करेंगे अगर आपने सोचा है कि सिर्फ आप एक नॉर्मल सी जॉब करेंगी तो मैं बोलूँगी नो आप जॉब के साथ साथ बहुत कुछ अच्छा और करेंगी ठीक है ये जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस हो सकता है कोई मार्केटिंग हो सकती है ठीक है अगर आपने सोचा है कि आ, मैं तो जॉब बिजनेस दोनों करूँगी या दोनों करूँगा उसके साथ साथ भी लेकिन आप कुछ और भी करेंगे सी आई एम सींग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ करियर सेकेंड आपकी डेस्टिनी में ट्रैवल बहुत है पायल नंबर टू पीपल यू गाइज़ विल ट्रैवल अलॉट या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग आज इस सिटी में रह रहे हैं कल उस सिटी में रह रहे हैं परसों उस सिटी में रह रहे हैं सिटीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंटली चेंज करेंगे मे भी हो सकता है आपकी जॉब वगैरह की वजह से आपके ट्रांसफ़र होने की वजह से बट जो मैं चीज़ आपके लिए यहाँ आप पर महसूस कर रही हूँ वो है कि आप जहाँ भी जाओगे ना आप वहाँ पे तरक्की फैलाओगे वहाँ पे आप अबेंडेंस और ग्रोथ दोगे और ये अबेंडेंस और ग्रोथ आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली मैनेज करेगी फॉर uh, एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे जाके रहने लगे जहाँ पर इतना ज़्यादा सड़कों का निर्माण नहीं है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है बट तो जैसे जैसे आप वहाँ रहने लगोगे ना आप एक चीज़ बहुत स्ट्रॉगली नोटिस करोगे कि चीज़ें अचानक से धीरे धीरे डेवलप हो गई हैं मतलब अचानक से तेज़ी के साथ ना धीरे धीरे तेज़ी के साथ डेवलप होती चली जा रही है क्यों क्योंकि आप लोगों की जो डेस्टिनी है ना वो कुछ इसी तरीके की है दैट आप पैशन लेकर आते हैं हर जगह आप फायर साइन हो सकते हैं है ना आप लोग मेष हो सकते हैं सिंह हो सकते हैं धनु हो सकते हैं एरीज लियो एजिटेरियस इसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोग वृषभ हो सकते हैं कन्या हो सकते हैं ठीक है मकर हो सकते हैं इसकी एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है आप लोगों का जो मंथ ऑफ बॉर्न है वो जुलाई सेप्टेम्बर फैब और दिसंबर की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा एंड uh, इस ट्रैवल की वजह से ना आप कभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन्स नहीं बना पाएंगे अपने इन लॉज से अपने घर वालों से ठीक है आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने रिलेटिव से नहीं बना पाओगे सामाजिक तौर पर एक इंसान को तभी सामाजिक समझा जाता है जब वो एक ही जगह रह कर के सब लोगों के साथ घुल मिल के रहे तभी तो वो समाज से जुड़ा हुआ है वो सामाजिक है लेकिन आप लोगों के साथ सीन ये रहेगा कि कभी आप यहाँ हैं कभी आप वहाँ हैं कभी आप वहाँ हैं मोर ओवर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का फ्यूचर में लाइक फॉरेन सेटलमेंट हो जाए कोई अब्रॉड सेटलमेंट हो जाए तो अगर कोई बंदा भाई अब्रॉड ही चला गया तो ऑब्वियस सी बात है सब लोगों से कनेक्शन खटी हो गया है तो बुरा नहीं है लेकिन लोगों के क्या है ना कुछ एक कहते हैं ना मैंटेलिटी कुछ इस तरीके की होती है हमारे आ, इंडियन और जो आसपास की जो सभ्यताएं उनके अंदर कि जो इंसान एक जड़ से जुड़ा हुआ है वो सब कर सकता है और कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है क्योंकि अगर हम एक जगह रह करके काम करते ज़्यादा समय तक रहते तो वहाँ पे लोग हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं अनटिल अनलेस आपका नेचर ख़राब ना हो <laughs> ये बहुत इम्पॉर्टेंटली डिपेंड करता है तो इस वजह से ना आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर सकते हो आपके आसपास के लोग या आपके रिलेटिव्स से आपकी ज़्यादा बनने नहीं वाली है एंड आप हमेशा एक उधेड़बुन के एनर्जी में रहोगे जब भी आपको ऐसा लगेगा कि अब सब सही है अब सब सेटल है तभी कोई ना कोई ट्विस्ट आपकी लाइफ में आता जाएगा आप बहुत बार इम्बैलेंस रहेंगे लेकिन आप लेट अपने लेट फिफ्टीज़ में लाइक जब भी आपकी लेट फिफ्टीज एज होगी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा और उस ट्विस्ट की वजह से जो टर्न आने वाला है ना वो आपकी लाइफ को थ्री टर्न कर देगा और आप एक बहुत ही लकी वाली इस पे चले जाएंगे आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करने लग जाएंगे ठीक है सो so ये तो मैं आपकी ओवरऑल uh, देख रही हूँ प्यार के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कपल का कार्ड है तो सही लेकिन क्योंकि मुझे एम्परस और एम्पर बहुत ज़्यादा रोमांस की एनर्जी नहीं देते और एक रिश्ते को स्ट्रांगली चलाने के लिए रोमांस का होना बहुत जरूरी है मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप और आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है वो प्रतिद्वंदी एक पार्टिसिपेंट की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे लेकिन एक लवर की तरह लाइक एक कहते हैं ना फुल अफेक्शन और फुल अट्रैक्शन के साथ आपके साथ रहना वो चीज़ मैं नहीं फील कर रही हूँ आप लोगों के रिश्ते में पैशन होगा स्ट्रॉन्ग फिज़िकल रिलेशनस होंगे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रहेगा जिसको तलाशना तलाश करके भी ना आप तलाश नहीं कर पाओगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ठीक है ना अब क्या ही बोल सकते हैं ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपकी तो लव को लेकर के इट्स टोटली ओके ओके काइंड ऑफ कंडीशंस करियर को लेकर के इट्स वेरी मल्टीटास्किंग हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी हरमिट का कार्ड है तो कुछ चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है आँख जॉइंट्स ठीक है पेट और हरमिट का कार्ड हेयर प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम को भी शो करता है तो इनमें से कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है बट एक चीज़ जो बेहद ही सुकून दे मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए जीत हमेशा आपकी होगी लाइक like, आपको ना आपके ओहो कैमरा हिल जाता है यार जब भी एक्साइटेड मोमेंट आते हैं कैमरा हिलता है तो जब भी मतलब लोग आपको देखें ना आपके रिलेटिव्स वगैरह देखेंगे तो वो कहेंगे यार ज़िंदगी तो इसी ने जी है इतना सब खराब होने के बावजूद भी <laughs> तो लाइफ में बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी आपके लेकिन आप हमेशा लोगों के साथ चैरिटी वाली एनर्जी में रहेंगे अध्यात्म की ओर रहेंगे आप इससे बहुत सारे लोग मुझे हाईली रिलीजियस नज़र आ रहे हैं लाइक दान पुण्य करना मंदिर जाना ये करना वो करना ये सब चीज़ें भी आपके साथ रहने वाली हैं तो बुरा तो नहीं है इसके अंदर कुछ भी लेकिन भला बहुत कुछ है अगर आज आपके पास देखो आज कोई इंसान चैरिटी कब कर पाता है कब कर पाता है जब उसके पास उतना हो है ना तो आप डेफिनेटली कर पाओगे और बहुत खुशी के साथ बहुत सुकून के साथ कर पाओगे डिवाइन मैट्रिक्स एंड द एक्सपोज एंड का कार्ड है एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा पाइल नंबर टू पीपल जब आप अपनी बंद आँखों से पूरा ज़माना देखना शुरू कर देंगे यानी कि इनर पीस और इनर इंट्यूशन आप लोगों के बहुत स्मार्ट हो जाएंगे कार्ड नंबर 21 यानी ये तीन बनाता है एंड तीन इज़ अ इमोशनल नंबर ऑफ बैलेंस जो कि बैलेंस करने के लिए बोलता है सोल बॉडी एंड माइंड तो वट एवर द कंडीशन यू हैव राइट नाउ जस्ट फील रिलैक्स क्योंकि आगे चल के ऐसा रहने नहीं वाला डिवाइन मेट्रिक मेट्रिक्स का कार्ड है कार्ड नंबर 44 एंड कार्ड नंबर 44 बताता है कि डिवाइन हमेशा आपके साथ है जस्ट आपको अपनी लाइफ के अंदर अलाइन रहने की ज़रूरत है विदाउट एनी विदाउट एनी नेगेटिविटी यहाँ से भी देख लेते हैं तो जी पैसे को लेकर के सब बढ़िया है हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज हैं आपको उसको सही से देखने चाहिए पेट आँख और जॉइंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर कुछ लोगों के साथ होगा देखते हैं क्या आया है रिकन्सिलियेशन तो रिकन्सिलियशन हो सकता है आगे चल कर के आपकी डेस्टिनी के अंदर किस चीज़ से कर्मा क्लियर हो जाए और आपका रिकन्सिलियशन हो जाए आपकी गुडनेस से आपकी स्पिरिचुअलिटी से आप इंडिपेंडेंट रहेंगे हमेशा कभी भी आप दब के नहीं रहेंगे किसी से भी आपकी जीत हमेशा होगी आपकी हमेशा ख्वाहिशें पूरी होंगी आप भगवान को एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आप भगवान को इतना ग्रैटिट्यूड दोगे ना इतना ग्रैटिट्यूड दोगे जितना ग्रैटिट्यूड आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा और नेवर गिव अप की एनर्जीज़ में आप रहेंगे हमेशा और आप अपने इनर ट्रुथ अपनी इनर विजडम को समझ पाएंगे आपकी डेस्टिनी में है कि आप Uh, अगर अभी हाल फिलहाल रिलीजियस है ना बहुत ज़्यादा तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हो जाएंगे और अगर आप स्पिरिचुअल है बाई नेचर तो आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल होंगे बाई नेचर इन फ्यूचर कि लोग आपको देख करके इंस्पायर होंगे ठीक है लोग आपसे पूछेंगे कि प्लीज़ आप मुझे बताओ अंकल आंटी मैम सर भैया दीदी क्या करना चाहिए इस चीज़ को और देखने के लिए uh, आपके लिए कार्ड है रोमांस और रिमेन पॉजिटिव आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर तो आपको स्ट्रांगली गाइडेंस दी जाती कि मेडिटेशन डेली करना चाहिए अगर आपके जीवन में आपको डिसअपॉइंट नहीं होना अगर आपके जीवन में रोमांस की कमी हो तो भी आपको अच्छा सोचना है बिकॉज़ ये जो लाइफ है ना पाइल नंबर फाइल नंबर टू पीपल आप लोगों की लाइफ मुझे ज़्यादा कहाँ जाती हुई नज़र आती है ज़्यादा मुझे नज़र आती है लाइक like कर्मा क्लियरेंस की तरफ ठीक है कि कर्म जैसे क्लियर हो रहे हैं तो ये तो आपकी डेस्टिनी थी जी और ये आपके थे एडवाइजेज एंड ये आपके येलो कार्ड्स एक हम गणेश जी की तरफ से भी कार्ड देखेंगे क्योंकि गणेश जी हमेशा आपकी डेस्टिनी लिखते हैं तो सस्टेनेंस का कार्ड है कार्ड नंबर सेवन जीवन में आज जो कुछ भी है वो कल नहीं होगा कल जो भी है वो परसों नहीं होगा तो आपको एक चीज़ ज़रूर सोचनी है और वो है कि जो जैसा आ रहा है जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो बिकॉज मेरी लाइफ में सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है इस चीज़ को आप ध्यान रखें तो अगर आप लोगों का मूलांक था दो चार छः आठ तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे बहुत बहुत जल्दी तब तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ डी कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पे रीडिंग्स या मेल कर सकते हैं तो अपना अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा वाला प्यार